आर्टिकल ए के बारे में पूरा हम लोगों को भी नहीं बताया जा रहा कि इसके अंदर किनको नुकसान है किनको फायदा है। हमें तो ये भी अभी तक बताया जा रहा है कि हिंदुओं को भी अपना प्रमाण पत्र साबित करना होगा, मुसलमानों को भी एक अपना सिटीजन प्रमाण पत्र देना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव साहब का भी यही है कि जो गरीब और आम जनता थी उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। आपको भी नहीं पता कि आखिरकार ये एक्ट है क्या? नहीं, एक्ट है मगर सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया। हाँ बिल्कुल, हमें काफी ज्यादा जानकारी है और मीडिया से ही ये पता चला है कि इसके अंदर जो है जितने भी हमारे देश की जनता है उनका जो है जनगणना की जाएगी, उनको यहाँ पर सिटीजन रखा जाएगा। एनआरसी की नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमें यही बताया गया है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको अपनी यहाँ की जो है सिटीजनशिप साबित करनी होगी अगर वो पहले से यहाँ पर नहीं रहते हैं। मीडिया के द्वारा तो यही जानकारी मिल रही है, ये एक्ट में लिखा है, मीडिया के द्वारा हमें यही जानकारी मिल रही है, अभी पूरी तरह से हमने एक्ट पढ़ा नहीं है। आपको आपको नहीं पता है? हाँ जी, ये अच्छी बात है, शिवसेना ने मान लिया है कि इनको एक्ट के बारे में पता नहीं है। और एक्ट के बारे में अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट भी ना करें, एक बार एक्ट अच्छे से पढ़ लें। ये एक्ट जो है नागरिकता देता है, नागरिकता लेता नहीं है, और किसी भी समुदाय के आदमी को अपनी नागरिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। यही एक गलत फहमी है, कन्फ्यूजन है जो माइंड में है, शायद शिवसेना के भी है। देखते रहे जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।